गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर ईवीएस क्लास। बेटा लास्ट ईवीएस क्लास में हमने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया था, उसकी एक्सरसाइज भी मैंने आपको बता दी थी और चैप्टर रीडिंग भी कंप्लीट हो चुका था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर 4। द नेम ऑफ द चैप्टर 4 इज टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर की क्या करना, देखभाल करना। ठीक है, हमको जो शरीर गॉड ने जो दिया है उसको हमको क्या करना है, साफ रखना है, उसको बहुत अच्छे से क्लीन रखना है, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर। टू बी हेल्दी एंड कीप योर बॉडी क्लीन यू शुड फॉलो द प्रैक्टिसेस गिवन बिलो। ठीक है, आपके शरीर को हेल्दी मतलब और क्लीन स्वस्थ और साफ रखने के लिए हमको नीचे कुछ वर्क दिया है, कुछ पॉइंट्स दिए हैं, वो हमको क्या करने चाहिए, फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट है आपका ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। आपको दिन में मतलब पूरे दिन में दो बार आपको क्या करना है, ब्रश करना है, एक तो आपको मॉर्निंग में और एक नाइट में सोने से पहले। ब्रश ऑल योर टीथ वेल, आपको सारे अपने जो दांत है वो अच्छे से ब्रश करना है। डू नॉट फॉरगेट द वंस एट द बैक। ठीक है, आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, आपको पीछे की साइड भी उनको क्या करना है, अच्छे से साफ करना है। रिमेंबर टू क्लीन योर टंग विथ अ टंग क्लीनर। एक टंग मीन्स क्या होता है, जीभ, है ना, एक जीभ साफ करने का टंग क्लीनर आता है, वो भी ब्रश के साथ ही मिलता है, तो आपको टंग क्लीनर लाके रोज अपनी टंग को भी क्या करना है, क्लीन करना है, साफ करना है। रिंस योर माउथ वेल आफ्टर ईटिंग, अदरवाइज अ फाउल स्मेल विल कम आउट ऑफ योर माउथ। ठीक है, आपको कुछ भी खाने के बाद अपने मुंह को क्या करना है, अच्छे से साफ करना है। रिंस मतलब होता है कुल्ला करना, ठीक है, उसको साफ करना, तो आपको अच्छे से कुल्ला करके अपने मुंह को खाने के बाद क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए। अदरवाइज, नहीं तो फाउल मीन्स यहाँ पर दिया है बैड मतलब गंदी, नहीं तो आपके मुंह से क्या आएगी, गंदी सी स्मेल बाहर आएगी। तो हमको कुछ भी खाने से पहले क्या करना है, हमारे खाने के बाद सॉरी हमारे मुंह को क्या करना है, अच्छे से कुल्ला करके साफ करना है। नाउ कम ऑन पेज नंबर 22। टेक बाथ विथ सोप एंड वाटर एवरी डे। ठीक है, हमको रोज सोप मतलब साबुन और पानी दोनों की हेल्प से सहायता से हमको क्या करना है, नहाना है, एवरी डे हमको नहाना है। आफ्टर बाथ वाइफ योर सेल्फ विथ अ क्लीन एंड ड्राई टॉल। ठीक है, आपको नहाने के बाद अपने आप को किससे वाइप करना है, वाइप मतलब होता है पोछना, और उसको अच्छे से पोछना है, अपनी बॉडी को क्लीन करना है और उसको सुखाना है टॉल की मदद से। कीप योर हेयर क्लीन एंड टाइडी। ठीक है, आपको जो अपने बाल हैं उनको साफ रखना है एंड टाइडी मतलब उनको अच्छे से शेप में रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े बाल हो रहे या फिर इधर उधर बिखर रहे, नहीं, हमको हमारे बालों को भी बिल्कुल क्या रखना है, साफ सुथरा रखना है। ईट फूड एट प्रॉपर टाइम। ठीक है, खाना हमको समय पर खाना है। एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर डेली। रोज आधा घंटा, कम से कम आपको आधा घंटा रोज क्या करना है, बॉडी की एक्सरसाइज करना है। गो टू बेड अर्ली, सोना जल्दी है, अर्ली मीन्स होता है जल्दी, गो टू बेड अर्ली। यू शुड स्लीप फॉर एटलीस्ट 8 to 9 hours। ठीक है, रात को जल्दी सोना है और कम से कम जो बच्चे होते हैं उनको 8 to 9 आठ से नौ घंटे उनको सोना चाहिए। स्टैंड अप स्ट्रेट। ठीक है, और जब भी हम खड़े होते हैं तो हमको बिल्कुल सीधा खड़ा होना है, स्ट्रेट, झुक के नहीं खड़ा होना है। अब नीचे आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई है गुड हैबिट्स की। ब्रश योर टीथ, रोज आपको ब्रश करना है, एक्सरसाइज रेगुलरली एक्सरसाइज करना है, स्लीप ऑन टाइम समय पर सोना है, कॉम योर हेयर, बालों को कंघी करना है, वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, हाथों को बहुत अच्छे से वॉश करना है। ठीक है, अभी तो आपको पूरे दिन ही हैंड वॉश करना है। टेक अ बाथ डेली, रोज ही आपको नहाना है। द नेक्स्ट डे डू नॉट बाइट योर नेल्स, नाखून नहीं खाना है। बहुत से बच्चों की आदत होती है नाखून चबाने की, डोंट बाइट योर नेल्स, कट योर नेल्स रेगुलरली। ठीक है, हर एक दो दिन में आपको अपने जो नेल्स है वो क्या करना है, कट करना है। ओके, कट योर नेल्स रेगुलरली एंड कीप देम क्लीन।
उनको रेगुलरली कट करना है और उनको क्लीन साफ सुथरा रखना है. डू नॉट बाइट योर नेल्स, और हमको हमारे नाखून नहीं खाना है. ठीक है, तो आज हम ये चैप्टर यहीं तक रीड करेंगे. इतनी जो हैबिट्स है वो आपको अच्छे से रीड करना है और आपको उसको फॉलो भी करना है. नेक्स्ट आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.